नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम जेई मेन 2019 टॉपिक इज सॉलिड स्टेट. क्वेश्चन है कंसीडर द बीसीसी यूनिट सेल ऑफ सॉलिड वन एंड टू विद पोजीशंस ऑफ एटम शोन बिलो. द रेडियस ऑफ एटम बी इज ट्वाइस ऑफ ए. द यूनिट सेल एज लेंथ इज 50% मोर इन सॉलिड टू देन वन. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड टू. ठीक है, अब देखिए सॉलिड वन का डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में. ये बीसीसी है कि एटम्स आर एट कॉर्नर्स प्लस एट बॉडी सेंटर. दिस इज बॉडी सेंटर एंड ऑल एटम्स आर ए. नाउ इन सॉलिड टू द एटम्स ए आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स. दिस वॉज द डायग्राम वॉज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, एंड बी इज एट बॉडी सेंटर. दिस पोजिशन इज बॉडी सेंटर. अब देखिए हम सिर्फ इस डायग्राम पे फोकस करेंगे कि बॉडी सेंटर में होता क्या है. जो बॉडी सेंटर पे एटम होता है इट विल टच ऑल एट एटम्स अलोंग इट अराउंड इट. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज एट. अब हमें बताना है कि व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड टू. सॉलिड टू के बारे में पूछा है. तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द क्यूबिक यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल एटम्स एंड सेकेंड वन इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. नाउ पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम आते हैं किस पर कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल एटम्स. तो एटम कितने हैं इसके अंदर ये देखना है. तो ए एटम्स आर एट एट कॉर्नर्स और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन हर एक एटम का कितना होता है 1/8. तो इफेक्टिवली ए इज 1. बी एटम है बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर होता है 1 और इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन इसका 1 ही होता है. तो यहां पर ए 1 होगा और बी 1 होगा. यानी इस यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ए 1 और बी इज इक्वल टू ऑल्सो 1. अब मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल एटम्स. तो मैं क्या करूंगा कि एक ए एटम का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr³ और एटम कितने हैं 1. तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 πr³. ठीक है, बी हमारे पास 1 है तो बी जो है बी का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाई 1. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रेडियस ऑफ बी है इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ए. दिस इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ए. इसका मतलब इस आरबी की जगह मुझे क्या रखना है 2RA. अगर मैं यहां इसको सोल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 यहां पर है तो 8 टाइम्स हो जाएगा. तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 πr³. क्लियर है. अब अपन आ जाते हैं नीचे. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अगर मैं इसको एज लेंथ ए मान लेता हूं तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी a³. ठीक, अब ए का रिलेशन आर और आरबी के साथ क्या होगा ये मुझे समझना है. ठीक है, तो अगर मैं यहां से इस कोने को मिलाऊं ठीक है तो ये वाली लेंथ रिप्रेजेंट करेगी बॉडी डायगोनल को. ठीक, बॉडी डायगोनल कितना होता है कि अगर ये एज लेंथ ए है तो फेस डायगोनल होगा √2a और ये होगा a. तो दिस लेंथ बॉडी डायगोनल इसको मैं यहां सेंटर आर ए यहां से ये आर बी और ये आर ए वापस. तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक बॉडी डायगोनल कितनी होने वाली है √3a. और ये एटम छोटा वाला ए है और ये बी है तो यहां से यहां तक सेंटर से सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी 2RA + 2RB. कैसे ये आर ए ये 2RB ये आर ए. ठीक है, और ये लेंथ टोटल कितनी होगी बॉडी डायगोनल √3a. अब हमें ये पता है कि आरबी इज ट्वाइस ऑफ आर ए. अगर मैं यहां 2RA रख दूं तो ये चीज हो जाएगी 6RA. ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू 6RA डिवाइडेड बाई √3 हो गया. मैं इसको लिख सकता हूं 2√3RA. अब हम आ जाते हैं किस पर इस फार्मूले पे. पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई ऑल एटम्स हम निकाल चुके हैं ये वाली चीज. ठीक है, डिवाइडेड बाई a³.
मुझे a कितना रखना है, 2 रूट 3 आर ए, ठीक है। तो ये 2 रूट 3 आर ए को अगर मैं क्यूब कर दूं तो ये आ जाएगा 8 3 रूट 3 आर ए का क्यूब, सही है बात, ठीक है। यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आर ए से आर ए क्यूब, यहां बचेगा इसको सॉल्व करने पे पाई बाई 2 रूट 3, और इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.9, मींस पेकिंग एफिशिएंसी इज 90%। सो द करेक्ट आंसर वाज 90%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जेई का, जो 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना। इसके लिए जो है आपको ढंग से पैकिंग फ्रैक्शन का यूज करना आना चाहिए, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन।